बंद हुए प्राथमिक विद्यालयों के संचालन की मांग को लेकर स्कूल एसोसिएशन रायबरेली ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की तरफ से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तरह प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों के संचालन की भी अनुमति दी जाए, क्योंकि जब से विद्यालय बंद हुए हैं स्कूल स्टाफ और संचालक आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो जूनियर सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन विद्यालय विगत 12 माह से बंद चल रहे हैं, उन्हीं की समस्याओं को लेकर के आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन्हें खोला जाए, क्योंकि 12 माह हो चुके हैं और क्लास 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय खोले जा चुके हैं और कहीं किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है। इसलिए इन विद्यालयों को भी खोला जाए, भले ही 50% प्रेजेंस के साथ खोला जाए। आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं क्योंकि अब पूरी तरह से हम लोग आईसीयू में चले गए हैं, अंतिम सांस बची हुई है और अगर सरकार अब भी नहीं चेतती, अब भी नहीं हम लोगों की सुनती है तो फिर हम लोग को धरना और प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब भुखमरी हम लोग तो है ही है भुखमरी कगार में, साथ साथ हम लोगों का स्टाफ और हम लोग स्कूल से जुड़े हुए सभी कर्मचारी।